पैसे की तंगी के कारण आदमी गरीब हो या ना हो, लेकिन शिक्षा की तंगी आदमी को गरीब ही बनाती है। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आपको लोग गरीब कहेंगे या फिर कुछ नहीं भी कहेंगे, लेकिन अगर आपके पास बहुत सारा पैसा है लेकिन शिक्षा अगर नहीं है तो आप डेफिनेटली 100% और 200% गरीब ही बनोगे। सो हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। आज हम डिस्कस करेंगे वीडियो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि है टॉप वाले कॉलेज में और लोअर कॉलेज में क्या डिफरेंस होता है। अगर आपको टॉप का कॉलेज मिलता है तो आपको क्या करना पड़ेगा एक अच्छी से अच्छा डिग्री हासिल करने के लिए, अगर आपको लोअर कॉलेज मिला है तो आपको क्या करना पड़ेगा, या फिर मिलेगा कॉलेज ये तो आपको कैसा आपको पढ़ाई करना है या फिर क्या आपको करना पड़ेगा, मैं आपको बताऊंगा दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है वो बताऊंगा। और सबसे पहले एक सवाल आपसे पूछ लेते हैं कि टॉप वाला कॉलेज आपको कब मिलता है, जब आप अच्छे से पढ़ाई करते हो, जब आप 11th में अच्छे से पढ़ाई करते हो, 12th में अच्छे से पढ़ाई करते हो, आप एमएससी सीट या फिर नीट या फिर JEE के अंदर अच्छा परसेंटाइल लाते हो, तब आपको जाके टॉप वाला कॉलेज मिलता है। लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको लगता है कि नहीं, 11th 12th तो मजे करने के लिए, बस वो मजे ही करते हैं, उनको फिर मिलता है लोअर वाला कॉलेज। ठीक है, ये दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है? देखो, टॉप कॉलेज के अंदर आपको जो पढ़ाने वाले टीचर्स हैं ना, वो यहाँ पे वेल एक्सपीरियंस्ड होंगे, वेल यहाँ पे वो टीचिंग करेंगे आपको, यहाँ पे सभी आपके प्रोग्राम्स ली जाएंगी, सभी एक्टिविटीज़ ली जाएंगी टॉप कॉलेज के अंदर। क्यों? बिकॉज इनके पीछे एक रीज़न है, बिकॉज पिछले साल हमने 99 पे टॉपर लाया था, इस साल हमको 100 पे लाना है। बिकॉज अगर हमने वैसा नहीं किया तो बाकी के जो कॉलेजेस है वो हमारे बारे में क्या सोचेंगे। तो ये टॉप वाले कॉलेज के अंदर क्या है, रेपुटेशन है, इनको ये मेंटेन करना पड़ेगा, और इसलिए वो जी जान लगा देते हैं अपने स्टूडेंट्स के ऊपर, ताकि स्टूडेंट्स भी बढ़े और स्टूडेंट के साथ साथ अपना कॉलेज भी बढ़े। ठीक है, ये होते हैं टॉप वाले कॉलेज या फिर टॉप वाले स्टूडेंट्स। अभी जो लोअर वाला कॉलेज है, यहाँ पे कुछ टेंशन नहीं होता है, बच्चे आएंगे बच्चे जाएंगे, बैचेस आएंगे बैचेस जाएंगे, हम रहेंगे हमारी तनख्वाह रहेंगी, ये होता है हमारा लोअर वाला कॉलेज। लोअर वाले कॉलेज में कुछ ऐसे भी कॉलेज होते हैं जो कि स्टूडेंट्स को ये टॉप वाले के साथ कॉम्पिटिशन में वो टिकते हैं या फिर वहाँ पे रहते हैं, वो भी कॉलेज होते हैं लोअर वाले। लेकिन कुछ ऐसे कॉलेज होते हैं जिनका सीधा सीधा होता है कि नहीं, स्टूडेंट को सिर्फ हमको एक लेटर देना है जो कि डिग्री वाला कागज़ है, बस वही देना है, उसके साथ साथ जो नॉलेज होता है वो नहीं देना है, या फिर वो टेंशन नहीं लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको रूल्स रेगुलेशन उतने फॉलो करने नहीं पड़ेंगे, यहाँ पे पूरा आपका एग्जाम हो जाएगा, आपके यूनिट टेस्ट बहुत ही अच्छी तरीके से स्ट्रिक्टली आपके होंगे, लोअर कॉलेज में ऐसा आपको दिखाई नहीं देगा, बिकॉज इसलिए वो लोअर कॉलेज है। ठीक है, इसलिए आप उन्होंने जो है वो जो है लो वाले परसेंटेज वाले स्टूडेंट्स लिए हैं, बिकॉज उनको क्या है, सिंपल में आपको डिग्री दे देनी है बस, और आपको भी पता है, और उनको आपका भी वैसा ही है ना, जो अभी कम परसेंटेज आया उसको उनको पढ़ाई करने के लिए कुछ होता ही नहीं ना, आशा ही नहीं होती। अभी जिनको ज़्यादा परसेंटेज आएगा वो डायरेक्टली बोल सकते टीचर्स को, नहीं सर ये आप ज़्यादा पढ़ाओ, आप ऐसा पढ़ाओ वैसा पढ़ाओ। अभी यहाँ पे जो लोअर कॉलेज में जो स्टूडेंट्स जा रहे हैं उनको पहले ही पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है, तो वहाँ पे वो क्या बोलेंगे। ठीक है, तो वैसा ही वो काटता है, एंजॉयमेंट हो जाता है, और फिर लास्ट में आपको डिग्री मिलता है, नॉलेज मिलता ही नहीं। लेकिन टॉप वाले कॉलेज में ऐसा नहीं होता है। अभी अगर आपको समझ में आ गया कि नहीं, लोअर कॉलेज में हमारा सिलेक्शन हुआ है, लेकिन अभी हमको लाइफ में कुछ करना है, हमको पता चल गया है कि पढ़ाई के सिवा लाइफ के अंदर कोई चीज़ नहीं है जो आपको आगे बढ़ाएगी। देखो, मेरी एक कविता है, मैं बनाता हूँ, जो कि पढ़ाई के ऊपर मैं बनाई थी, शिक्षा के ऊपर। शिक्षा एक पारस पत्थर की जैसी होती है, पारस पत्थर आपको पता है, जिसका स्पर्श होती है आदमी सोना बन जाता है, तो इसलिए शिक्षा एक पारस पत्थर की जैसी होती है, जिसका स्पर्श होती ही आदमी सोना बन जाता है, फिर चाहे वो गरीब हो या अमीर कोई मायने नहीं रखता, फिर चाहे वो गरीब हो या अमीर कोई मायने नहीं रखता, जिसने शिक्षा ली ना वो सोना बन जाएगा। पैसे की तंगी के कारण आदमी गरीब हो या ना हो, लेकिन शिक्षा की तंगी आदमी को गरीब ही बनाती है। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आपको लोग गरीब कहेंगे या फिर कुछ नहीं भी कहेंगे, लेकिन अगर आपके पास बहुत सारा पैसा है लेकिन शिक्षा अगर नहीं है तो आप डेफिनेटली 100% और 200% गरीब ही बनोगे। इसलिए पैसे की तंगी के कारण आप गरीब हो या ना हो, लेकिन शिक्षा की तंगी आदमी को गरीब ही बनाती है। इसलिए आदमी के पास अगर कुछ भी नहीं हो तो भी चलेगा, लेकिन एक बात होनी चाहिए, वो है शिक्षा, वो है पढ़ाई। और अगर आपने लोअर कॉलेज में आपका जो है वो यहाँ पे सिलेक्शन हो चुका है या फिर मिलने वाला है आपको, आपको पता चल गया है कि नहीं हमको लोअर कॉलेज ही मिलेगा, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, मैं आपको बताऊंगा। आपको करना पड़ेगा एक्स्ट्रा एफर्ट्स लेने पड़ेंगे, बिकॉज यहाँ पे जो स्टूडेंट है उसने 10 चैप्टर ज़्यादा पढ़े हैं, यहाँ पे तो आपको 5 ही चैप्टर पढ़ाए जाते हैं इस कॉलेज के अंदर, तो आपको यहाँ पे 5 चैप्टर एक्स्ट्रा पढ़ने पड़ेंगे, ताकि ये टॉप वाले स्टूडेंट के साथ आप क्या कर सको, कॉम्पीट कर सको। इसलिए आपका सिलेक्शन अगर लोअर कॉलेज में हुआ है तो टेंशन लेने की बात नहीं है कुछ, बिकॉज ये जो
ओके 365 डेज जो टॉपर यूटिलाइज कर रहा है टॉपर कॉलेज के अंदर, टॉप कॉलेज के अंदर वैसा ही आपको यूटिलाइज करना है, इसके जैसा आपको बनना है। यहाँ पे जो आपको बनाएंगे वो थोड़ा आपको गाइडेंस कम देंगे, लेकिन आपको खुद से यहाँ पे आपको सेल्फ स्टडी ज़्यादा करना पड़ेगा, अपना जो सब्जेक्ट है उसके अंदर और आपको डीपली नॉलेज लेना पड़ेगा, स्टडी करना पड़ेगा ये लोअर कॉलेज के अंदर, ताकि आप जो टॉप वाले स्टूडेंट्स है, टॉपर टॉप वाले कॉलेज के जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ कॉम्पिटिशन में आप रह सको। अगर आप ऐसा ही करोगे, मतलब जैसा लोअर कॉलेज वाले कहते हैं वैसा ही अगर आप करोगे उनसे जैसा, तो आप यहां पे कंपटीशन में नहीं टिक पाओगे। आपको अगर यहां पे कंपटीशन में टिकना है तो यहां पे आपको 10 बातें ज्यादा करनी पड़ेगी। अगर आप चाहते हो कि 10 बातें आपको ज्यादा करनी है, करना चाहते हो, तो डेफिनेटली आप यहां पे टॉपर, ये टॉप वाले कॉलेज जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ कॉम्पिटिशन में जा सकते हो, उनको भी हरा सकते हो अगर आपने कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स किया तो। अभी जिनको टॉप वाला कॉलेज मिला है उनको कोई टेंशन नहीं है, बस जो वो कहते हैं वो करो, कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स भी करो आप, यहाँ पे भी एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने पड़ते हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट्स आपको करने पड़ेंगे, बिकॉज 11th 12th में आपने पढ़ाई की नहीं है, इन्होंने की है, इनको टेंशन नहीं है ज़्यादा, ये आराम से डिग्री ले लेंगे, डिग्री के साथ साथ नॉलेज भी ले लेंगे। लेकिन अगर आपको डिग्री के साथ नॉलेज लेना है तो आपको डिग्री के साथ 100% एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने ही पढ़ेंगे। तो ये है टॉप वाला कॉलेज, ये है लोअर वाला कॉलेज। आपको पता चल गया कि अगर आपको टॉपर वाला कॉलेज मिल रहा है टॉप वाला, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आपको लोअर कॉलेज मिल रहा है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये मैंने आपको यहाँ पे बताया सिंपल में कि क्या होता है डिफरेंस टॉप वाले कॉलेज में और लोअर वाले कॉलेज में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और ये अपने चैनल को शेयर करो यार 2022 के स्टूडेंट के साथ, बिकॉज आपको पता है कि 2021 में आपको कैसा कंटेंट मिला है, कैसा नॉलेज मिला है, क्या आप नहीं चाहते कि वही नॉलेज आपके जो आगे वाले स्टूडेंट्स हैं उनको भी मिले, तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर देना। आपने 2021 में बहुत ज़्यादा प्यार दिया है, अभी भी आप थोड़ा सपोर्ट चाहिए उनके पास, ये सिर्फ अपना वीडियो वो आप पहुंचा दो, बस इतनी मेरी एक आपसे रिक्वेस्ट है, ठीक है। तो इसी के साथ ही गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे मोटिवेट, थैंक यू सो मच।